राघव, हाँ, हमारे साथी बहुत ही पुराने मास्टर जगदीश जी, पूर्व में जिला अध्यक्ष है भाई प्रेम बजाज जी, श्री योगेंद्र नाथ मल्होत्रा जी, सरदार जगतार सिंह जी, हमारी महिला विंग की अध्यक्ष रही मंजू गुप्ता जी, श्री ब्रह्मानंद जी, और हमारे राकेश सरोवा जी के पुत्र हैं, वो आज आ नहीं पाए, उन्होंने भी चुनाव लड़ा है इस राणा हल्के से, उनके पुत्र हमारे बीच में, केवल खुराना जी, हमारे हरवीर सिंह संधू जी, सतीश केलर जी, विशाल भाटिया जी, सारे साथी हमारे बीच में, सुनील सिंगला जी, सुरेश सैनी जी, सुरेश वाल्मीकि जी, हमारे सभी पुराने कार्यकर्तागण यहाँ मौजूद जी। मेरे साथ दो साथी आए, तीन जी, भाटी जी, सुरेंद्र जी और आपको कहाँ गए, वर्मा जी, वर्मा जी। सर बताइए क्या कहना चाहते हैं। अब हमारे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, चौधरी कुलदीप जी ने अभियान में जल पार्क के माध्यम से प्रदेश के कार्यकर्ता और नेताओं को दोबारा से जो 2007 से जनरल कांग्रेस के टाइम से लेकर 2014 तक का माहौल था, उसको दोबारा इकट्ठा करके श्री राहुल गांधी जी का मार्गदर्शन जो भी कांग्रेस के नाम से है, उनको घर घर, सड़क सड़क, हर कार्यकर्ता तक, हर नेता तक पहुँचाने का बीड़ा उठाया है। उस घड़ी में मुझे समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया है, हरियाणा के जितने जिले हैं सभी से एक एक साथी उसमें मेरे साथ कार्यकर्ता है। आज पानीपत में उसी के तहत छावड़ा जी मेरे साथ स्टेट लेवल पे मेंबर है, इनके सहयोग से जो हमारे साथी पुराने बजाज जी है, जगतार जी है, मंजू जी है, सरोवा जी है, इन सब को मिलाने का काम किया है। आज इनसे हम पानीपत में कैसे दोबारा से मजबूत हो सकते हैं, उस विषय में मैं इनसे चर्चा करने आया हूँ और कुलदीप जी का उनको संदेश देने आया हूँ। पिछले कई सालों से हरियाणा के लोग, मीडिया वाले, ओपोजिशन वाले, हमारी पार्टी के नेता चौधरी कुलदीप जी पे ये कहते थे कि वो तो घर से बाहर नहीं निकलते। कारण था, वो पिछले 3 साल गले की बीमारी की वजह से बीमार रहे, बाहर विदेशों में ऑपरेशन कराना था। उसके बाद 2.5-3 साल से इस कोरोना कार्यकाल में सब कुछ आपको पता है बंद है, जब ठीक होता जा रहा है तो 10 तारीख के बाद चुनाव खत्म हो जाएगा, कुलदीप जी चाय पानी की चर्चा के माध्यम से इस प्रदेश को एक माला रूपी गठन करके कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे और कांग्रेस हाईकमान का जो भी संदेश होगा वो साथियों तक पहुँचा के इस भ्रष्टाचारी सरकार को जल्द ही खत्म करने का काम किया जाएगा। हरियाणा की जनता बीजेपी सरकार से त्रस्त है, वो बटन दबाने का काम जितनी जल्दी हो उस बटन के द्वारा इस सरकार को चौधरी कुलदीप जी के व अन्य कांग्रेस के नेताओं के सारे चेंज करना चाहते हैं। कहीं एजिटेशन की जरूरत हुई, कहीं किसी बात की जरूरत हुई तो वो चौधरी कुलदीप जी हाईकमान से मिलके जो भी दिशा निर्देश होंगे उसके सारे आगे चलेंगे। जो जलपान के माध्यम से कुलदीप जी का दौरा होगा हरियाणा का, तो जैसा कि आपने बताया कि जनहित कांग्रेस के पुराने साथियों को भी जोड़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं जनहित कांग्रेस या उसके पैरलर कोई विंग खड़ा करने का प्रयास चल रहा हो? 2014 में जनहित कांग्रेस में कन्वर्ट हो चुकी है जी, 2014 के बाद जनहित कोई पार्टी नहीं रही है, कांग्रेस का एक पार्ट है, कांग्रेस के साथ है। जो साथी जिनको हर जिले में
कांग्रेस के पुराने साथी जो आज तक हैं वो महत्व नहीं दे रहे जनहित के साथियों को। हमने दोबारा से बीड़ा उठाया कुलदीप जी के नेतृत्व से, उनको सक्रिय करें और कांग्रेस की विचारधारा के साथ जो पुराने साथी हैं उनके साथ जोड़ा जाए, उनको मान सम्मान जो कुलदीप जी के टाइम पे मिलता था वो कैसे मिले, इस कार्य के लिए मुझे ड्यूटी लगाई गई है। इनके लिए पहले मैं इनके विचार लूँगा, इनसे आज मिलूँगा कि यहाँ क्या कमी है, हमें क्या करना चाहिए। तो कुलदीप जी अपने सीनियर साथियों से भी मिलके उस बारे में विचार करके इनको सबको इकट्ठा करते हैं। कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनहित कांग्रेस के जो मेंबर थे कुलदीप जी के साथ उस समय, इस समय कांग्रेस में उपेक्षा है उनकी फिलहाल? देखो जी, उपेक्षा हमारे साथियों की नहीं है और मुझे कहने में कोई गुरेज भी नहीं है कि धड़ेबाजी भी है जी। उस धड़ेबाजी के नाते भी जो जिस जिले में नेता है वो दूसरे नेता के साथियों को नहीं बुलाता, वो ये सोचता है कि ये उसका आदमी है, ये उसका आदमी है, विश्वास नहीं है। चौधरी कुलदीप जी, चौधरी भजन लाल जी हरियाणा में 36 बिरादरी के नेता हैं, उन्होंने हमेशा साथ लेके चलने का काम किया है। जो काम भजन लाल जी ने किया है पिछले 12 साल मुख्यमंत्री रहते हुए, वो काम आज कुलदीप जी करने जा रहे हैं। योगेंद्र जी, पहले ही पानीपत में एक सैलजा गुट है, भूपेंद्र हुड्डा वाला गुट है, एक और गुट आपने खड़ा कर दिया कुलदीप बिश्नोई का, तो क्या लगता है कि कांग्रेस पहले ही संगठन खड़ा नहीं कर पा रही है, आगे क्या इसका फ्यूचर देखते हैं? ऐसा है कि गुटबाजी नहीं है, विचारों की लड़ाई है। विचार नहीं मिलते, ना तो नीचे लेवल के मिलते हैं ना ऊपर लेवल के मिलते हैं। मैं अपने कहूँ कि मेरे विचार भी नहीं मिलते रोहतक में, साथी हैं, क्योंकि मेरी आदत है चमचागिरी ना करने की। मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मेरे में कमी है तो मैं मानता हूँ कि मेरे में कमी है, मैं माफ़ी मांगूंगा। लेकिन कई साथी ऐसे हैं कि वो अपनी कमी को महसूस ना करके अपने आप को नेता करते हैं, तो उस वजह से हमारे में ये गैप है जी। ये विपक्षी होने के बावजूद भी जो है इन्होंने क्यों नहीं है विपक्ष का जो है वो धर्म निभाया? ऐसा है, विपक्ष का धर्म चौधरी कुलदीप ने जितना निभाया है हरियाणा के अंदर आज तक किसी ने नहीं निभाया है। उन्होंने 2007 से लेकर 14 तक विपक्ष की जो भूमिका निभाई किसी ने निभाई, उसके बाद हमें एक पार्टी के नीचे आ गए, कांग्रेस पार्टी है, जो हमें वो कहेगी, जो दिशा निर्देश देगी, हम उसके तहत काम करेंगे। कांग्रेस की ही बात हो रही है कि इन्होंने जो है वो विपक्ष में होते हुए भी जो है, मैंने बताया कि वो बीमार थे पहले 3 साल, उनको कैंसर था गले का, जिनकी वजह से उनको हिसार का चुनाव भी हारना पड़ा, नहीं तो वो हिसार में राजा है, हिसार में उनके नाम की बात चलती थी। तो पुराने साथियों को एकजुट करने की कवायद को शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है? ऐसा है कि शक्ति प्रदर्शन तो जब अपने आप ही हो जाता है राजनीति में, जब 4 आदमी 10 आदमी कहीं इकट्ठा होंगे तो उसको लोग किस दिशा में देखते हैं, किस उससे देखते हैं, वो उनकी सोच रहती है। लेकिन कुलदीप जी का है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस एक हो हरियाणा के अंदर, कोई ग्रुपिज्म ना कहलाए, जिनके विचार अलग अलग हैं वो पार्टी स्टेज पे रहे, सड़क पे ना आए। क्या मोदी सरकार ने जो विपक्ष को बिल्कुल एकदम खत्म नहीं कर दिया? मैं मोदी जी को राजनीतिक आदमी नहीं मानता, वो एक सुलझे हुए बिजनेसमैन है, उनके चारों तरफ बिजनेसमैन है। हर कोई भी बिजनेसमैन ब्रांडेड होता है, वो ये सोचता है कि मेरे बराबर के ब्रांड का आदमी आगे ना चमके। आप एक कमीज पहनोगे दूसरी लेके आओगे तो उसमें फर्क दिखता है, तो एडवर्टाइजमेंट के ना कर। तो मोदी जी ने अडानी अबानी इनके माध्यम से ब्रांड बना लिया है, आज आरएसएस को बीजेपी को ख़त्म कर लिया है। मोदी जी ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में मेरे के बाद बीजेपी ख़त्म हो जाए, वो काम करने जा रहे हैं, वो राजनीतिक आदमी नहीं जी। दीपक जी पानीपत से हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो अपने हमारे अध्यक्ष हैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो इन्होंने आज हमारे को यहाँ समय दिया और हमारे जितने सारे पुराने साथी थे उनको इकट्ठा करने का काम आज मैंने जो सबको किया है वो इनके आशीर्वाद से किया, इनके सहयोग से किया, इनके मार्गदर्शन से। तो पानीपत में आएंगे बिश्नोई जी? 100% आएंगे और उनका हार्दिक स्वागत हम करेंगे। ऐसा स्वागत पूरे हरियाणा में नहीं होगा जो पानीपत में उनको होगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ हमारे अध्यक्ष। दीपक जी, आपका जो है वो भावी कार्यक्रम क्या रहेगा?
भावी कार्यक्रम हम कुलदीप जी की यहाँ पे जो भी हमारे साथी जिस हिसाब से हम राय विमर्श करके हम आपको आगे की रूपरेखा भी जरूर देंगे। अभी तक फिलहाल हम ये सोच रहे हैं कि उनके जनसान कार्य जनसभा रोड शो जो भी हम कर सकते हैं हम अपना पूरा योगदान उनको यहाँ देंगे, उनको किसी भी तरीके से कांग्रेस में उनका कद घटने नहीं देंगे, कद बढ़ाएंगे। और ये भी कांग्रेस पार्टी को बताना चाहते हैं कि उनके बिना अगर हरियाणा में सरकार लानी है उनके बिना संभव रहेगी, 2005 जैसी लहर चाहिए तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई को आगे लाना ही पड़ेगा जी।